बैतूल से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ट्यूब पर बैठकर ग्रामीण ताप्ती नदी पार करते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग ट्यूब पर बैठकर नदी पार कर रहे हैं और दो युवक इनकी मदद कर रहे हैं। ये युवक नदी पार करने के बदले कुछ पैसे भी लेते हैं, लेकिन इस तरह नदी पार करना सीधे सीधे मौत को न्योता देना है। दरअसल ये तस्वीर भीमपुर ब्लॉक के गोरकी ढाना गांव का है। कई दशकों से यहां पुल बनने के ग्रामीण मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसके वजह से ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बैतूल की दिखा रहे हैं, जहां पर बैतूल में ये दृश्य आप देखिए कि किस तरीके से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल जब नदी पार करनी पड़ती है तो लोगों के लिए यहां नाव की व्यवस्था नहीं है, इस पर पुल भी नहीं निर्माण किया गया, जबकि लगातार लंबे समय से प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है लोगों की तरफ से कि इस पर या तो हमें नाव दिया जाए ताकि हम पुल पार कर सके या फिर इस पर पुल बनाया जाए, लेकिन लोगों की मांगों को किसी भी तरीके से सुना नहीं जा रहा है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ बैतूल से अमित पवार हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बैतूल की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर नदी पार करने पर मजबूर है। कितना लंबा समय हो चुका है जब शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायतों को सुना नहीं जा रहा है प्रशासन की तरफ से? जी, आपको बता दूं कि यह पहला कोई मामला नहीं है जो लापरवाही की तरह से वीडियो सामने आ रहा है। जहां ये जमनिया गांव का है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लापरवाही जिला प्रशासन की सबसे बड़ी यह देखने को मिल रही है कि तमाम व्यवस्थाओं का जो दावे किए जा रहे हैं जिला प्रशासन द्वारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाँव कोटवार है और जो अन्य प्रशासनिक कर्मचारी है उनकी तैनाती की गई है, ताकि कोई भी ऐसे जो आपदा की स्थिति में कोई भी बाढ़ जैसे परिस्थितियों से गुजर कर नहीं जाए। लेकिन यहाँ पर कुलिया नहीं होने के कारण वर्षों से, पिछले कई वर्षों से ग्रामीण इसी तरह से नदी पार करके यहाँ से ट्यूब का सहारा लेके और नाव नहीं होने के कारण ये ट्यूब जान जोखिम में डालकर ट्यूब का सहारा लेकर नदी पार करते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे। और जब प्रशासन जब जागता है, जब किसी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना होती है, आनन फानन में कुछ तुरंत की व्यवस्था करती है जिला प्रशासन। ठीक, लेकिन आखिर इस तरीके से अनदेखी प्रशासन की तरफ से क्यों की जा रही है? कहां पर मुश्किलें आ रही है प्रशासन को, क्योंकि वो ग्रामीणों की शिकायतें नहीं सुन रहे हैं? इसी तरीके से अगर क्या जब यह हादसा हो जाएगा, किसी की जान चली जाएगी, तब प्रशासन हरकत में आएगी? आपको बता दूं कि प्रशासन हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जो शहरी क्षेत्र है उस ओर ज्यादा ध्यान देता है, और जो इस तरह की लापरवाही जब सामने आती है उसके बाद सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर करते अधिकारी दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक इस जो वीडियो सामने आया उसके बाद भी अभी जिला प्रशासन को इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह से ग्रामीण यहाँ से इनको निकलना पड़ रहा है। ठीक, बहुत धन्यवाद अमित, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।